कार्तिक आर्यन इन दिनों बॉलीवुड पर राज कर रहे हैं। 2 हफ्ते पहले ही उनकी मूवी भूल भुलैया 2 बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी और रिलीज के 2 हफ्ते बाद भी भूल भुलैया 2 बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। मूवी ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर 133 करोड़ की कमाई कर चुकी है, जो कि कार्तिक की करियर की सुपर डुपर हिट फिल्म बन गई है। कार्तिक की इस सफलता से अब फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। वहीं मूवी के रिलीज होने से पहले कार्तिक की तुलना अक्षय कुमार से की जा रही थी और मूवी के हिट होने के बाद से फैंस के बीच ये चर्चाएं शुरू हो गई है कि हाउसफुल फ्रेंचाइजी में अक्षय कुमार को रिप्लेस कर कार्तिक आर्यन आएंगे नजर। ये बात कितनी सच थी, इसको लेकर अब कार्तिक आर्यन ने भी अपना बयान दे दिया है। कार्तिक आर्यन ने अपने ट्विटर पर एक आर्टिकल शेयर करते हुए कहा है कि कोई मुझसे भी पूछेगा मेरी अगली पिक्चर कौन सी है, निराधार। कार्तिक ने इस बात को महज एक अफवाह बताया है, जिस पर फैंस अब अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। जिस पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए कहा कि कौन सी पिक्चर है आप ही बता दो, तो वहीं एक और शख्स ने जवाब देते हुए कहा कि शहजादा ही है ना। यहाँ हम आपको बता दें कि इससे पहले भी कार्तिक ने इंटरव्यू में अक्षय कुमार से तुलना होने पर कहा था कि भूल भुलैया में अक्षय कुमार मुझे काफी अच्छे लगे थे, मैं उन्हें देखते हुए ही बड़ा हुआ हूँ और हम सब उन्हें देखते हुए ही बड़े हुए हैं, वो तुलना ना ही करें तो बेहतर है। आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि कार्तिक इससे पहले कई हिट फिल्मों में नजर आ चुके हैं, जैसे कि प्यार का पंचनामा, सोनू की टीटू की स्वीटी, लुका छुपी और लव आजकल। और वहीं कार्तिक की वर्क फ्रंट की बात करें तो वह बहुत जल्द शहजादा मूवी में भी नजर आने वाले हैं, जिसमें उनके अपोजिट कृति सैनन नजर आएंगी। अब देखना ये होगा कि कार्तिक की ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कितनी धूम मचा पाती है। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही बॉलीवुड की सभी अपडेट्स के लिए देखते रहे हमारा चैनल MGTV Entertainment। धन्यवाद।